सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज दुनिया के उपलब्ध साहित्य में सबसे पुराना यदि साहित्य है तो उसको नाम दिया जाता है वैदिक साहित्य। ऋग, यजु, साम, अथर्व, ये चार वेद कहे जाते हैं। अब यह हमारी केवल मान्यता ही नहीं है, इस पर पूरी दुनिया के इतिहासविदों ने, वैज्ञानिकों ने, शोध अध्ययन एवं अनुसंधानकर्ताओं ने, पूरी दुनिया के विश्लेषकों ने जब इसके ऊपर चिंतन किया, मंथन किया, तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन कोई साहित्य है तो वेद है। कोई उसको ये कह सकता है कि ये 50,000 साल पुराना है, कोई कहेगा ये 1,00,000 साल वर्ष पुराना है, लेकिन दुनिया का सबसे प्राचीन साहित्य और सबसे समृद्ध साहित्य भारत का ये निर्विवादित सत्य है। और वो कितना ऊंचा है वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि मैंने चारों वेद पढ़े हैं, मैंने 11 उपनिषद पढ़े हैं, मैंने महाभारत, वाल्मीकि रामायण और उसके साथ साथ दर्शन शास्त्र, योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, वेदांत, इन दर्शनों में जो सूत्र हैं उनका विदेशी लोगों को तो उनका अर्थ भी नहीं आता, ट्रांसलेशन के लिए शब्द नहीं मिलता, क्योंकि जो उनकी गंभीरता है वो उनमें आ ही नहीं सकती। जैसे नष्ट शब्द है, आप इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते। अब नष्ट शब्द का अर्थ है, सामान्य रूप से हम कहते हैं नष्ट हो गया, अर्थात खत्म हो गया। अब खत्म होने का, नष्ट होने का और अंग्रेजी में जो उसके लिए हम कोई भी शब्द बोले उसका कोई तात्पर्य नहीं। नष्ट होने का अर्थ है नष्ट आदर्शन, वो चीज अब रूपांतरित हो गई है। अब इसके पीछे कितना विज्ञान है। मैंने वेदों को कर्मकांड की दृष्टि से नहीं पढ़ा, मैंने वेदों को ज्ञान की दृष्टि से पढ़ा, और वेद का अर्थ विद्रज्ञान है, विदलाभ हो, वेद का अर्थ ही ज्ञान है। तो मैं कह रहा था ज्ञान की इतनी उन्नत परंपरा कि आज उसका अर्थ समझने में हमको दिक्कत होती है। आप सोच सकते हैं कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान का स्तर कितना ऊंचा था, वेदों के मंत्र का अर्थ करने में हमको समस्या होती है, इसका अर्थ क्या है इसका समझ भी नहीं आता। और यदि उस अर्थ करते हैं तो हमको वो मजाक जैसा लगता है, उसका हम उपहास उड़ाने लगते हैं। अब आज हमने प्राणायाम के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि प्राण औषधि है। पहले आप मंत्र पढ़ते हैं तो वेद में मंत्र ऋग्वेद में भी आता है, अथर्ववेद में भी आता है, आवातवाही भेषजम, कि प्राण औषधि है। अब कोई इसका अर्थ करेगा तो बस अर्थ कर देगा, इसका अर्थ समझना तो बहुत आगे की बात है। इसलिए हमारे यहां कहा वेद का एक मंत्र होता है, उसका फिर एक ऋषि होता है, इसका एक देवता होता है। अब वेद का जो मंत्र होता है उसका ऋषि माने जिसने, ऋषि ने उस मंत्र का ज्ञान का विज्ञान के रूप में साइंटिफिकली उसका एक्सपेरिमेंट करके उसके ऊपर जो शोध और अनुसंधान करके एक निष्कर्ष पर पहुंच गया उसका ऋषि है। उसका एक देवता होता है, देवता उसका प्रतिपाद्य विषय है, एक उसका छंद होता है कि किस तरह से उसको बोला जाएगा। खैर मैं बातें कर रहा था, इतना उन्नत साहित्य। और इसमें सबसे बड़ी बात, वैसे तो उस ज्ञान के अंदर आक्रमण भी बहुत हुए, दो तरह से आक्रमण हुए। एक तो हमारा जो बहुत समृद्ध साहित्य था, वेदों की हजारों शाखाएं, कोई 50,000 मानता है, कोई 1,00,000 मानता है, 50,000 से 1,00,000 के बीच वेदों की जो शाखाएं थी वो जब भारत में युद्ध हो रहे थे उस समय उनको नष्ट कर दिया गया। जो कहते हैं हमारे इतने मंदिर तोड़े, हमारे इतने जो हमारे पूरे जो जो ऐसे बहुत सी धरोहरें थी उनको वो लेकर के चले गए, कहीं आग लगा दी, कुछ और कर दिया, तोड़ दिया। वेदों में उनको मिलावट करने में दिक्कत ये आई कि वेदों के कई तरह से पाठ होते हैं, घन पाठ, जटा पाठ, माला पाठ, उनसे क्या हुआ वेद में एक स्वर एक अक्षर की भी मिलावट नहीं हो पाई। ये तो एक महानता है, उन लोगों का तप है जिन्होंने वेदों को बहुत मेहनत करके, तप करके, पुरुषार्थ करके सुरक्षित रखा। आज भी ऐसे
विद्वान हैं, ऐसे पंडित हैं, ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको चारों वेद कंठस्थ हैं, उनको चतुर्वेदी कहते हैं। जिनको दो वेद कंठस्थ होते थे उनको द्विवेदी कहते थे, त्रिवेदी, वेदी, सुवेदी। आजकल वेदी को कोई पूछे तो क्या तुम्हारा, बोले मैं वेदी तो मेरा गोत्र है, द्विवेदी से पूछो तो बोले मेरे द्विवेदी गोत्र है। उस मैंने एक चतुर्वेदी से पूछा कि भाई आपको चतुर्वेदी क्यों कहते, बोले ये तो हमारा उपनेम है, ये तो सरनेम है। तो मैंने कहा चार चतुर्वेदी कहते क्यों है, फिर बोले ऐसे हमने सुना है कि हमारे पूर्वज चार वेद जानते थे। मैंने कहा चार वेदों के नाम बताओ, तो चतुर्वेदी जी को चार वेदों के नाम ही नहीं पता। ये हमारे साहित्य की हालात हो गई, लेकिन ऐसी परंपरा हमारी उन्नत रही है। इसमें दिक्कत कहां आई, जितने भी वेदों को छोड़कर के ग्रंथ हैं उनमें एक तो बहुत बड़ा आक्रमण यह हुआ कि महाभारत मूल जो ग्रंथ था वो 5000 श्लोक के जो व्यास जी ने लिखा, उनके शिष्यों ने उसमें जो कमियां रह गई थी उसको पूरा करके 10000 श्लोकों का महाभारत तैयार कर दिया। आज महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, तो 10% असली है उसमें श्लोक, साहित्य 10% ओरिजिनल है, 90% उसके अंदर मिलावट है। ये हमारे भारतीय साहित्य पर भी बहुत बड़ा आक्रमण हुआ कि 10000 मूल श्लोकों का महाभारत जो काव्य था वो 1,00,000 श्लोक हो गए। मूल जो मनुस्मृति है उसमें करीब 2 गुना ज्यादा मिलावट कर दी गई, तो लोग तो मनु को गालियां देंगे, लोग तो हमारे महाभारत के जितने भी बड़े पात्र है, ऋषि मुनि हैं, उनको गालियां देंगे। रामायण के अंदर मिलावट कर दी, महाभारत के अंदर मिलावट कर दी, हमारे चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि ने जो सविताएं लिखी आयुर्वेद की इनमें मिलावट कर दी। एक दिन मैंने पढ़ा, चरक सुश्रुत आयुर्वेद को पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते उसमें लिखा मांस के बारे में, फिर उसमें लिखा शराब के बारे में, तो वर्तमान में शायद शराब के बारे में जितनी भी कहानियां, कविताएं और तमाम प्रशंसाएं आपने सुनी है सब फेल है वहां। मैंने कहा ये कहां से आ गया, एक ऋषि मध्य पीढ़ी के लिए कैसे लिखता है। तो आयुर्वेद के चरक सुश्रुत धन्वंतरी निघंटु से लेकर के रामायण महाभारत से लेकर के दर्शन और स्मृतियों से लेकर के गृह सूत्र और ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ ये कोई उसका जाति से संबंध नहीं है, वो ब्रह्म बोलते हैं ज्ञान को, और ज्ञान से जो संपन्न है उसको ब्राह्मण कहा जाता था, लेकिन बाद में वो जाति पर्क हो गया। ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ, गोपथ, ऐतरीय, तैतरीय आदि जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनकी मैं बात करूं, उनमें सब में मिलावट। अब दो हमारे सामने चुनौती, एक तो प्राचीन ज्ञान की समृद्ध परंपरा को उन्नत बनाना और उसको प्रदूषित होने से बचाना। हमारे पास में इतनी बड़ी ज्ञान शक्ति है, हमको ऐसा लगता है कि सारा विज्ञान, सारा ज्ञान अब वर्तमान युग में एनलाइटमेंट ये यूरोप से आया। भारत अंधेरों का देश था, सपीरों का देश था, ये सारी झूठी बातें। हमारे भीतर एक कुंठा, एक आत्मग्लानि, एक निराशा ये भर दी गई कि भारत के पास तो ज्ञान कुछ था ही नहीं। सभी साहित्य की श्रेणी में आता है, लेकिन आजकल हमने साहित्य की भी एक श्रेणी बना दी कि जिसमें सामाजिक विषय हो, प्राकृतिक विषय हो, जिसके अंदर कथा, कहानियां, उपन्यास हो, जिसके अंदर थोड़ा इतिहास, थोड़ा वर्तमान हो, थोड़ा जिसके अंदर मनोरंजन हो, उसको हम साहित्य का नाम दे देते हैं। हमारे प्राचीन भारत में ऐसा नहीं था। हमारे यहां पर आयुर्वेद को भी साहित्य ही कहा जाता था। अब कोई साहित्य वाले से आप आयुर्वेद की बात करो, बोल मैं तो साहित्य का व्यक्ति हूं, आयुर्वेद का आदमी नहीं हूं। हमारे यहां पर चरक सुश्रुत और अष्टांग हृदय जितनी भी आयुर्वेद की ये जो बड़ी संहिताएं हैं इनको भी आयुर्वेद का साहित्य नाम दिया जाता है। दर्शन को भी दर्शन साहित्य नाम दिया जाता है। वेदों को और उससे जुड़ी हुई जितने भी ज्ञान की परंपराएं हैं, साहित्य की परंपराएं, उसको वैदिक साहित्य नाम दिया जाता है। तो अभी जो जब भारतीय साहित्य की बात की जाती है तो उसको हमने सिमेट दिया है एक दायरे के अंदर। तो हमारे यहां पर साहित्य से जितनी भी ज्ञान की उन्नत परंपरा है वो सब उसमें समाहित हो जाती थी। जितनी भी ज्ञान राशि है वो सब साहित्य के नाम से जानी जाती थी। संस्कृत का मूल नाम भाषा था, भाषा के नाम पर
पहले किसी को जाना जाता था वो मूलतः संस्कृत थी, और संस्कृत जो विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा, तो ये निर्विवादित सत्य है, नॉन कंट्रोवर्शियल ट्रुथ है, तो संस्कृत भाषा के सबसे करीब यदि कोई भाषा है तो वह ओडिया भाषा है, और वहां पर मैं आकर के इस बात को कह रहा। हमारा साहित्य बहुआयामी है, और हमारे साहित्य में जो मनोरंजन है वो स्वस्थ मनोरंजन है। पहले हमारे यहां उपमा अलंकार होता था, उपमा अलंकार से बाद में जो उपन्यास बने और उसमें कहानियां जो आई वो बहुत बाद की बात है। हमारे यहां पर सब सच्ची बातें हुआ करती थी। यदि मैं बात अपने साहित्य और उसके साथ में जुड़े हुए जीवन की करूं, तो हमारे साहित्यों में बताया कि हमारा जीवन के आदर्श क्या होने चाहिए। हमें एक आदर्श जीवन जीना है, और आदर्श जीवन के फिर कई पहलू होते हैं। फिर आदर्श जीवन के साथ आदर्श परिवार, आदर्श समाज, एक आदर्श राष्ट्र। अतीत की भाषा जब लोगों को समझ में नहीं आई ज्यादा, तो चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास हो, चरिदास हो, छे कबीर हो, नानक हो, और तमाम दूसरे हमारे महापुरुष जो मध्यकालीन, जिनको हम संत सूफी परंपरा के महापुरुष कहते हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग समय में अलग अलग साहित्यों की रचना की, उन साहित्यों के अंदर हम जीवन को आदर्श कैसे बनाएं। हमारा जो जीवन है इसके बारे में पूरा विश्लेषण किया गया कि पूरी दुनिया में जो भी अस्तित्व है, चाहे वो जड़ है या चेतन है, चाहे वो जीव है या जगत है, और उन जीवों में भी मनुष्य, और उस मनुष्य की जो है तुलना की गई पूरी प्रकृति के साथ, और उसमें उसको सर्वश्रेष्ठ कहा, नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित, ये जो महाभारत का एक महावाक्य है। अतीत क्या था, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या होगा, एक मनुष्य की जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है, एक जैसा सबका गला, कंठ एक जैसा, स्वर अलग अलग, आंखें एक जैसी, दृष्टि अलग अलग, मस्तिष्क की कोशिकाएं सबकी एक जैसी, मस्तिष्क का ब्रेन का स्ट्रक्चर सबका एक जैसा, लेकिन करैक्टर और उसके जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो बिल्कुल अलग अलग, दृष्टिकोण उसका अलग अलग। यूरोप में 19वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी के अंत तक, 18वीं 19वीं शताब्दी तक किसी को बुखार हो जाता था तो मर जाता था। लोग सोचते थे कि इसको बुखार हो गया तो इसको खून काट दो, खून गर्म हो गया इसलिए बुखार हो गया। हमारे साहित्य में मेडिकल साइंस है, हमारे साहित्य में पूरा एजुकेशन सिस्टम है, हमारे साहित्य में पूरा टैक्सेशन सिस्टम है, हमारे साहित्य में पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम है, हमारे साहित्य में पूरी पॉलिटिक्स है, वेदों से शुरू हो जाती है। ये हिस्ट्री से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, जुडिशियली से लेकर के, पूरा जो तंत्र, जो परिवार नाम की संस्था से लेकर के राज्य और राज्य की संस्था, राजनीति, अर्थात ये इतना बड़ा हमारा साहित्य है और उसकी इतनी उन्नत परंपरा है, उसको थोड़े से शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल काम है। इस खाली आकाश में हमको भारतीय ज्ञान का सूरज जलाना है, सूरज उगाना है, हम सब मिलकर के भारतीय साहित्य की परंपरा को वापस इसके शिखर आरोहण पर लेकर के जाएंगे। और आज का ये जो प्रसंग है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन साबित होगा। मेरी एक बार पुनः द नए इंडियन एक्सप्रेस को, आज के इस विशेष उत्सव को, और भाई प्रभु जी को और आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।